उदयपुर के बड़गांव क्षेत्र में तेंदुए द्वारा शिकार किया जाना लगातार जारी है। सोमवार आधी रात को तेंदुए ने गाय के बछड़े का शिकार कर डाला। तेंदुआ बछड़े के धड़ सहित आगे के हिस्से को पूरी तरह खा चुका था। बछड़े के शरीर की बाकी शत विक्षत हिस्सा खेत में पड़ा हुआ था। घटना कटारा गांव की राजपूत बस्ती में हुई। दो दिन पहले इस गांव से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर वन विभाग ने एक तेंदुए को पिंजरे लगाकर पकड़ा था। इस क्षेत्र में तेंदुए के आए दिन मूवमेंट ने यहां के ग्रामीणों को चिंता में डाल दिया है। लोगों में तेंदुए के कारण दहशत का माहौल है। दिन छिपने के बाद रात को लोगों को बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। बछड़े के शिकार के बाद ग्रामीणों ने क्षेत्र में पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने की मांग उठाई। कटारा गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर पालड़ी गांव में 9 अप्रैल को खेत पर रखवाली कर रहे 70 साल के बुजुर्ग किसान फतेह सिंह पर तेंदुए ने हमला किया था, जिससे बुजुर्ग को 100 मीटर तक घसीटते हुए झाड़ियों में ले गया। हमले में किसान की गर्दन टूट गई और पेट की आंतें बाहर निकल आई थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों की मांग के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में पिंजरा लगाया। पिंजरे में करीब 6 दिन बाद तेंदुआ पकड़ा गया, जिसे वन विभाग द्वारा दूर दराज जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। राजस्व गांव कटारा सिविल लाइन टैगहिल्स में पैंथर द्वारा आज रात 18 अप्रैल को एक और बछड़े का शिकार। गांव वालों में आक्रोश तथा भय व्याप्त। आज रात गांव के किसान कैसे सिंह जी देवड़ा के बाड़े में पैंथर ने घुसकर गाय के बछड़े का शिकार किया है। बाड़े में बहुत से पशुधन बंधे हुए हैं। किसान को आज रात भी पैंथर के आने का भय व्याप्त हो गया है। गांव के लोगों का कहना है कि ये पैंथर वही आदमखोर पैंथर है जो थोड़े दिन पहले किसान फतेह सिंह जी का शिकार किया था, जो कि यहां से 1 किलोमीटर दूरी पर पालड़ी गांव में है। गत दिनों जो पैंथर पकड़ में आया था वो मादा पैंथर थी। नर आदमखोर पैंथर अभी भी घूम रहा है। यहाँ 4 पैंथर घूमते हैं, जिसमें से एक ही पैंथर अभी पकड़ में आया है। गांव वाले वन विभाग से निवेदन करते हैं कि आज रात को यहाँ पिंजरा लगाया जाए। चलिए किसान कैसे सिंह जी से अपन बात करते हैं। हाँ, मैं किसान कैसे सिंह देवड़ा बोल रहा हूँ, कटारा बालड़ी से। रात को मेरे गाय के बछड़े को पैंथर खा गया।